हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये जो हमारा एक पोर्शन था क्लासिफिकेशन से लेकर नोमेनक्लेचर का, वो डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन वी कैन इजिली नोमेनक्लेट बाय द ICBN एंड ICZN फॉर द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। सो ये जो सारे रूल्स हमने स्टडी किए, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सोनॉमी टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी एंड योर एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी से। तो जो टैक्सोनॉमी है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक जो ग्रीक वर्ड है वो है टैक्सिस, जिसका मतलब ही होता है अरेंजमेंट, और जो दूसरा हमारा वर्ड है वो है नॉमस, जिसका मीनिंग होता है लो। ये जो टैक्सोनॉमी है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड करने वाले हैं। तो वो जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है उसमें उसको अरेंजमेंट करने की जो प्रोसेस है उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज ये जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है उसको साइंटिफिक टर्म में हम अगर बोले तो उसका साइंटिफिक टर्म है वो है टैक्सा। ये साइंटिफिक टर्म है टैक्सोनॉमी का। और ये जो प्रोसेस है क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ये आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। साइंटिफिक नेम इज, साइंटिफिक टर्म इज टैक्सोनॉमी इज टैक्सा। द कैरोलस लिनियस, आगे भी हमने इस साइंटिस्ट के बारे में बात की है, इसका हमने आगे भी बताया है कि जो कैरोलस लिनियस है उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जो कैरोलस लिनियस है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब ये जो था वो बेसिक टैक्सोनॉमी का स्टार्टिंग का जो टैक्सोनॉमी प्रोसेस है जिसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वो कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया था। अब उसकी उससे आगे हम अगर देखें तो ये जो टैक्सोनॉमी है वो धीरे धीरे कैटेगरीज में डिवाइड होती गई और उसमें भी बहुत सारे साइंटिफिक टर्म कंडीशंस आते गए। तो अभी जो हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं वो टैक्सोनॉमी है, वो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें क्या स्टडी होता है? तो कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर विथ मॉर्फोलॉजी। हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है,
देन साइटोलॉजी, देन डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, देन इकोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये जो कैटेगरीज में स्टडी होता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर विथ मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी एक्सेट्रा, इसे मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके जो फादर है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं, वो है जूलियस हक्सली। जूलियन हक्सली है, उसको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी टैक्सोनॉमी की। अब हम आगे उसको देखते हैं कि कैसे, किस तरह से उसको, कितने टाइप की कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक्स जो कैटेगरी है उसको हम देखें तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है किंगडम, उसके बाद की जो जो कैटेगरी है वो है फाइलम, और उसको डिवीजन भी कहते हैं। फाइलम है वो एनिमल के लिए है, डिवीजन है वो प्लांट के लिए है। उसके बाद की जो हमारी कैटेगरीज है वो है क्लास, उसके बाद आएगा ऑर्डर, उसके बाद आएगी फैमिली, उसके बाद आएगा जीनस, एंड लास्ट जो है वो है स्पीसीज। ये सेवन टाइप की जो कैटेगरीज है उस वो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है। अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ये सेवन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये सेवन कैटेगरीज कैसी है, तो कि हम स्पीसीज से स्टार्ट करें तो स्पीसीज टू किंगडम इट इज असेंडिंग ऑर्डर। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। किंगडम से स्टार्ट करें स्पीसीज तक तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। उसमें आएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये जो सेवन कैटेगरीज है उसको आपको डिप में स्टडी करना है, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आपको पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में पूछी जा सकते हैं, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। और ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसको पहले सिंपली फॉर्म में हम याद कैसे रखें, इसकी शॉर्टकट ट्रिक कैसी है, तो कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक आप अगर देखें तो हम इसे याद रखेंगे। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से याद रखेंगे कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। देखते हैं, कीप से आएगा किंगडम, पॉट से आएगा फाइलम, क्लीन से आएगा क्लास, और से आएगी ऑर्डर, फैमिली तो अपने आप में एक वर्ड है, गेट से आएगा जीनस एंड सिक्स से आएगा स्पीसीज। तो ये जो है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इट इज अ शॉर्टकट की टू रिमेंबर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये कैसे आपको पूछा जा सकता है कि ये कैटेगरीज आपको लिख कर दी गई होती है और एक कोई भी जगह है वो आपको ब्लैंक रखा जाता है, तो आप ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसके बेस से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सेवन कैटेगरीज है उसको अब हम डीपली स्टडी करते हैं, एक एक स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी उसको हम स्टडी करते हैं, तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी स्पीसीज। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्टडी करने वाले हैं, सो असेंडिंग ऑर्डर में हमारी जो सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो क्या थी, तो कि वो थी स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहते हैं, व्हाट इज द स्पीसीज, आपको स्पीसीज के बारे में जब
कोई पूछता है तो आप कैसे उसको वो डिफाइन करेंगे। तो जब आप स्पीसीज से स्टार्ट करते हो तो स्पीसीज में ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस जो मोर मोर सिमिलैरिटीज रखते हैं, उसमें डिससिमिलैरिटीज कम होती है और सिमिलैरिटीज है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ग्रुप है सिमिलैरिटीज का उसको हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज इज अ, देखते हैं आप, स्पीसीज इज अ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। बहुत सारे सिमिलैरिटीज उसमें दिखेगी स्पीसीज में। उसके अलावा उसमें बहुत कम हमको डिसिमिलैरिटीज है वो दिखने को मिलेंगी। इट इज द लोएस्ट कैटेगरी, इट इज लोअर कैटेगरी, और ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये जो है वो बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। बहुत सारे स्पीसीज आप ले लीजिए, कोई एक जीनस के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं तो आप बहुत सारे स्पीसीज ले लीजिए, मगर उसमें हमको सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी और डिससिमिलैरिटीज है वो हमको कम दिखने को मिलेगी। तो ये जो ग्रुप है सिमिलैरिटीज का उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। अगर आप एग्जाम्पल देखें, हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम एनिमल्स में पहले देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में मैं तीन स्पीसीज यहां पे लिख रही हूं। एक है पैंथेरा लियो, एक है पैंथेरा टाइग्रिस और एक जो है वो है पैंथेरा पार्डस। इसके हम कॉमन नेम देखें तो जो पैंथेरा लियो है उसका वो उसका कॉमन नेम है लायन, जो पैंथेरा टाइग्रिस है वो एज यूजुअल हमारा जो टाइगर है वो है, और जो पार्डस है वो जो है वो है लेपर्ड। तो ये जो तीनों के तीनों एनिमल्स है वो उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये हम इसको हमने बहुत कई बार सुना भी है इसके बारे में। तो आप देखिए इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, ये जो जीनस है वो सेम है मगर ये जो बहुत सारी स्पीसीज है तो ये जो स्पीसीज है उसमें हम देखें तो लायन टाइगर और लेपर्ड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमको दिखने को मिलती है। तो ये जो ग्रुप है उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। अगर आप प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में मैंजीफेरा इंडिका जो हमने मैंगो है और जो सोलेनम ट्यूबेरोसम जो पोटेटो है तो उसमें भी आप देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको दिखने को मिलती है। तो ये जो सिमिलैरिटीज का जो ग्रुप है वो असेंबलाइज होकर हमको बनाता है स्पीसीज। उसके बाद की हमारी जो कैटेगरी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है जीनस। जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है जीनस। ओके, जीनस में क्या होता है? तो जैसे स्पीसीज में हमने देखा कि बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलकर एक स्पीसीज फॉर्म करती है, वैसे ही बहुत सारी स्पीसीज की सिमिलैरिटीज है वो असेंबलेज होकर फॉर्म करती है जीनस को। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन दिखने को मिलती है। तो ये जो स्पीसीज है वो स्पीसीज असेंबलेज होकर फॉर्म करता है जीनस को। अगर हम एग्जाम्पल देखें उसका तो एग्जाम्पल में हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में दो स्पीसीज देखते हैं, एक है पोटेटो और दूसरा जो है वो है ब्रिंजल। अब आप देखें तो पोटेटो और ब्रिंजल हमको पता है कि देखने में तो वो हमको डिफरेंट दिखते ही दिखते हैं मगर उसमें
जो सिमिलैरिटीज है वो सिमिलैरिटीज कंपोज होकर असेंबलेज होकर उसकी जो स्पीसीज है उसको हम एक ही जीनस में रख सकते हैं, और वो जो जीनस है वो है सोलेनम। ये जो सोलेनम जीनस है वो जीनस में पोटेटो और ब्रिंजल को सिमिलैरिटीज के फॉर्म पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो जीनस है वो असेंबलेज होता है स्पीसीज से, बहुत सारी स्पीसीज असेंबलेज होकर बनाती है जीनस को। जीनस के बाद अगर हम आगे देखें तो जो हमारी कैटेगरी है वो आएगी फैमिली। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है फैमिली। फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज फैमिली, फैमिली को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आगे आगे जब जब अब आप देखोगे तो हमको सिमिलैरिटीज है वो लेस दिखेगी, लेस सिमिलैरिटीज एंड मोर डिससिमिलैरिटीज आर ऑब्जर्व। तो जैसे जैसे हम फैमिली से आगे बढ़ते जाएंगे हमको सिमिलैरिटीज है वो लेस अमाउंट में दिखेगी, और जो डिससिमिलैरिटीज है वो बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगी। तो जो फैमिली है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा मीन्स की जीनस विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। देखा, नंबर जो सिमिलैरिटीज का था वो कम हो गया और जो डिससिमिलैरिटीज है उसका वो ज्यादा हो गया होगा। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जब फैमिली में को उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसमें उसके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव जो फीचर्स है उसको इंक्लूड कर फैमिली है वो बनाई जाती है, फॉर्म होती है। एनिमल्स में हम देखें तो एनिमल्स में अगर एग्जाम्पल में जाए तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स में हमने आगे आपको पता है कि तीन टाइप की जो जीनस है वो दिखी थी। अब जो हमने तीन एनिमल्स लिए थे पार्डल्स और लियो और टाइग्रिस, उसके हम देखे तो स्पीसीज बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी, और वो जो तीनों के तीनों एनिमल्स है पैंथेरा लियो यानी कि लायन, पैंथेरा पार्डस यानी कि लेपर्ड, और जो पैंथेरा टाइग्रिस है यानी कि जो टाइगर है, वो तीनों के तीनों एनिमल्स को एक ही फैमिली में इंक्लूड किया गया है। और वो जो फैमिली है वो फैमिली का नाम है फैलिडी। ये जो फैलिडी है वो कैट फैमिली है, इसको कैट फैमिली बोलते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों एनिमल्स है जिसकी स्पीसीज में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो ये जो जिन स्पीसीज की सिमिलैरिटीज है वो मिलकर फॉर्म होकर जीनस कंपोज किया, असेंबलेज किया। बहुत सारे जीनस असेंबलेज होकर जब फैमिली फॉर्म करते हैं तो वो जो फैमिली है वो फैमिली कैट फैमिली है, फैलिडी फैमिली है, जो टोटली डिफरेंट होती है कैनिडी फैमिली यानी कि डॉग फैमिली से। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है और वो है ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? तो इट इज हाईएस्ट कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच हैव फ्यू सिमिलैरिटीज। बहुत ही कम सिमिलैरिटीज है वो आपको दिखने को मिलेगी। हमने पहले भी बताया कि जैसे जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सिमिलैरिटीज है वो लेस अमाउंट्स में दिखेगी और जो डिससिमिलैरिटीज है वो मोर अमाउंट्स में दिखी जाएगी। तो जो ये ऑर्डर है तो ऑर्डर के बारे में हम लिख सकते हैं कि इट इज हायर कैटेगरी असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच हैव फ्यू सिमिलैरिटीज। फ्यू सिमिलैरिटीज है इसमें ऑब्जर्व होती है। और ये जो ऑर्डर है हमको पता है कि जितने भी एनिमल्स है एनिमल्स को हम टू टाइप की ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्डर जो है वो है हर्बीवोरा यानी कि जो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव एनिमल्स है उसको हम हर्बीवोरा में इंक्लूड करेंगे, और दूसरी जो ऑर्डर है वो है कार्निवोरा जिसमें
हम नॉन वेजिटेटिव को इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारे फैमिली थी कैट फैमिली, वो कैट फैमिली में जितने भी एनिमल्स है वो इंक्लूड होंगे कार्निवोरा ऑर्डर में। तो बहुत सारी फैमिलीज असेंबलेज होकर फैमिली ऑर्डर फॉर्म करती है, और वो जो ऑर्डर है, जो कैट फैमिली है, डॉग फैमिली है, ये दोनों के दोनों फैमिली है, उस वो एक ही ऑर्डर में दिखती है, और वो जो ऑर्डर है वो है कार्निवोरा। क्यों? क्योंकि कार्निवोरा है उसमें हम नॉन वेजिटेटिव जो एनिमल्स है, जो खाते हैं, उसमें हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो कैट फैमिली हो या डॉग फैमिली हो, वो इंक्लूड ऑर्डर कार्निवोरा में होगा। आगे की जो हमारी कैटेगरी है वो फिफ्थ नंबर की जो कैटेगरी है, और वो है क्लास। सेम हम देखने जाएं कि जैसे फैमिली है, ऑर्डर है, उसमें फ्यू सिमिलैरिटीज हमको ऑब्जर्व होती है, उसी तरह से जो क्लास है उसमें भी बहुत ही कम सिमिलैरिटीज है वो हमको ऑब्जर्व होगी। मेजर कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, ऑर्डर की बहुत सारी असेंबलेज होकर एक क्लास है वो फॉर्म करती है। क्लास असेंबलेज ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है वो असेंबलेज होकर क्लास है वो फॉर्म करते हैं। आगे हम देखें तो कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसके बहुत सारे क्लास है, जैसे कि मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ऐसे कई सारे क्लास है जो मिलकर एक ऑर्डर में हम इसे इंक्लूड करते हैं, वो है कार्निवोरा। और ये जो सारे के सारे मैमल्स है, एव्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, वो सारे के सारे हम देखने को जाए तो अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग उनमें बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हमको दिखने को मिलती है। क्योंकि जैसे कि एव्स है तो एव्स है वो फ्लाइंग एनिमल्स है, जो रेप्टाइल्स है वो रेप्टिलियन एनिमल्स है, एम्फीबियंस है उसको हम बोलते हैं बाय लाइफ्स, दो जगह वो लिव कर सकते हैं, और जो मैमल्स है उसको हम हायर कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी के अपने अपने क्लास है। और अब हम देखें तो जो मैमल्स है उसको हम मैमेलिया क्लास है उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये जो है वो क्लास की फॉर्म है। इसके अलावा हम अगर देखें तो एक ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसमें हम हमारे इवोल्यूशनरी जो एनिमल्स है उसको रखते हैं, यानी कि जो मंकी है, गोरिला है, गिबन है, वो सब है वो प्राइमेटा में जाता है। और उसके अलावा जो हमारा जो क्लास है वो क्लास आएगा मैमेलिया, जिसमें हम ये सारे क्लास है उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी थी वो थी क्लास। उसके अलावा हमारी जो अब सिक्स कैटेगरी है वो है फाइलम। फाइलम को भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज हायर कैटेगरी। जितनी हायर कैटेगरी होगी उसमें उतने ही कम हमको सिमिलैरिटीज दिखने को मिलेगी, और बहुत ही सारी हमको डिसिमिलैरिटीज है वो दिखने को मिलेगी। तो जो फाइलम है वो हायर कैटेगरीज में आता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि असेंबलेज टू क्लास लेस नंबर ऑफ सम कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स, फिश, जितने भी हमने क्लास देखे वो जो क्लास है उसको हम एक ही फाइलम इंक्लूड करते हैं, और वो है कॉर्डेटा। इसके अलावा जो दूसरा फाइलम है वो है नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट उसको हम उसकी जो नोटोकॉर्ड है उसके प्रेजेंट और एब्सेंट के थ्रू पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो दो टाइप के फाइलम है, एक है कॉर्डेटा और दूसरे है नॉन कॉर्डेटा। तो जो कॉर्डेटा है उसमें हम ऐसे एनिमल्स को, ऐसे स्पीसीज है उसको इंक्लूड करते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। तो कॉर्डेटा फाइलम है उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट।
तो आप इसमें जितने भी क्लासेस असेंबले जोकर जिन्होंने फाइलम फॉर्म किया है, तो वो जो क्लासेस है उसमें जो भी एनिमल्स लेंगे उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर आएगी और वो होगी नोटोकॉड प्रेजेंट। बहुत सारे डिसिमिलरिटीज हमको दिखेंगी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एव्स में हम एक पिजियन ले लेते हैं और एक कंगारू ले लेते हैं, तो पिजियन आपको पता है कि फ्लाइंग एनिमल्स है और जो कंगारू है वो टोटली लैंडेड एनिमल्स है। तो ये दोनों के दोनों है वो टोटली डिफरेंशिएट है, मगर उसमें एक सिमिलरिटी हमको कॉमन दिखती है, वो है उन दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम कॉर्डेटा फाइलम में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे हमारे जो बात करें तो ये जो फाइलम है, फाइलम हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की कैटेगरीज में रखते हैं। जब आप प्लांट है, प्लांट को जब आप अगेन क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज में, तो उसमें फाइलम की जगह पे हम डिवीजन है उसको इंक्लूड करते हैं। लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है किंगडम। बहुत ही कम हमको सिमिलैरिटीज है इसमें दिखने को मिलेगी असेंबलेज टू फाइलम। फाइलम्स, अब ये जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट फाइलम है उन्होंने मिलकर एक किंगडम है वो बनाया है, और वो जो किंगडम है वो ऑब्वियसली दो टाइप के ही किंगडम होते हैं, एक होता है एनिमल किंगडम और दूसरा जो होता है वो होता है प्लांट किंगडम। हमने स्टार्टिंग में ही आपको लियो, पैंथेरा और टाइगर्स के बारे में एग्जांपल्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली जो फाइलम है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा उन्होंने फॉर्म होकर जो किंगडम बनाया है वो होगा एनिमल किंगडम। जितने भी एनिमल्स है वो वेरियस फाइला है, फाइला को असेंबलेज कर हाईएस्ट कैटेगरी फॉर्म करते हैं, और वो जो कैटेगरी है वो है एनिमल कैटेगरी। हाईएस्ट कैटेगरी और जितने भी सारे प्लांट्स है वो बिलोंग असेंबलेज होकर एक किंगडम फॉर्म करते हैं, प्लांटी जो जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो है वो प्लांट किंगडम में हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो 7 टाइप की कैटेगरीज है उसको स्टडी करने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग में हमने जो 7 टाइप की कैटेगरीज है जिसको शॉर्ट फॉर्म में भी हमने याद रखा था कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो ये जो हमारे 7 कैटेगरीज के उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में पढ़े, यानी कि स्पीसीज टू किंगडम आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जाए, तो जितने असेंडिंग ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो आपको सिमिलैरिटीज है वो लेस अमाउंट में दिखेगी, और जो डिससिमिलैरिटीज है उसका लेवल है वो हाई होगा। तो वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइए, यानी कि किंगडम टू स्पीसीज आएंगे। तो किंगडम टू स्पीसीज में क्या होगा कि आपको सिमिलैरिटीज है वो दिखने को मिलेगी और डिसिमिलैरिटीज है वो आपको कम दिखने को मिलेगी। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब आपको ये 7 कैटेगरीज है उसको हम एक बहुत ही आसानी से एक चार्ट फॉर्म में दिखाने वाले हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा स्टडी करें, एकदम ध्यान से स्टडी करें और देखें कि हमने स्टार्टिंग असेंडिंग ऑर्डर से करते हैं तो स्टार्टिंग आएगा स्पीसीज से। यहाँ पे हम 3 टाइप की स्पीसीज है उसको लेते हैं, एक है पेरेडा पार्डस, एक है पैंथेरा पार्डस, एक है पैंथेरा लियो और एक है पैंथेरा टाइग्रिस। इसको हम साइंटिफिक लिख रहे हैं तो हम ये रूल्स नहीं ब्रेक करेंगे। अब आगे आप देखिए तो ये जो पार्डस, लियो और टाइग्रिस है ये सारी की सारी है तो एक ही स्पीसीज। असेंडिंग ऑर्डर से बात करें हम तो ये सब आएगा किस में, तो किस स्पीसीज में। मैंने 3 स्पीसीज ली है, पार्डस लिया है, लियो लिया है और टाइग्रिस लिया है। इसको हम कॉमन नेम में लिखे तो पार्डस को हम कहेंगे लेपर्ड, लियो को कहेंगे लायन और जो टाइग्रिस है वो आएगा टाइगर में। अब ये जो
तीनों के तीनों स्पीसीज है, उसको हम एक ही कॉमन जीनस में लिख सकते हैं, और वो जो जीनस है वो क्या आएगा, तो क्या पैंथेरा। ये पैंथेरा जो है वो आएगा जीनस में। अब आप देखें तो सिमिलैरिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में आगे जाएंगे, आपको डिसिमिलैरिटीज दिखने को मिलेंगी। तो एक तीनों के तीनों स्पीसीज को हम एक ही जीनस में इंक्लूड करते हैं, पैंथेरा। उसके अलावा हमारा जो दूसरा जीनस है एग्जाम्पल में, वो है फेलिस जीनस। ये जो फेलिस जीनस है वो पैंथेरा जीनस से टोटली डिफरेंशिएट है, क्योंकि इसमें सारे के सारी कैट है वो इंक्लूड होती है। आगे हम देखें तो जो फेलिस जीनस है उसकी अगेन दो है, वो फैमिली है। एक फैमिली है उसको बोलते हैं फेलिडी फैमिली, और एक जो है वो है कैनेडी फैमिली। ये जो फैमिली कैनेडी है फेलिडी फैमिली है, उसमें हम कैट्स को इंक्लूड करेंगे, और कैनेडी है उसको हम डॉग्स को इंक्लूड करेंगे, और ये आपकी आ गई फैमिली। तो आप देखें कि जो फेलिस जीनस है उसकी दो फैमिली, फेलिडी और कैनेडी में से दोनों के दोनों है तो टोटली डिफरेंट सी, मगर उसमें बहुत सारे डॉग और कैट में बहुत सारे आपको सिमिलैरिटीज भी दिखने को मिलती है। अब आप चाहे तो कैट हो या डॉग हो, उसमें हम एक सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, और वो है कि वो दोनों के दोनों कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मीनिंग ये दोनों की दोनों नॉन वेजिटेटिव है, जो टोटली डिफरेंट होगी हर्बीवोरस। जो वेजिटेटिव है वो ऑर्डर से टोटली डिफरेंशिएट होगी। तो आप आगे देखें तो हमने दो टाइप के ऑर्डर बनाए, हर्बीवोरा और कार्निवोरा। अब जो कार्निवोरा है उसमें हम आगे देखें तो कार्निवोरा है उसमें बहुत सारे क्लासेस है, जैसे कि एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, एव्स, और आएगा हमारा मैमल्स। तो ये जो कार्निवोरा है उसमें हमने बहुत सारे क्लास को है वो इंक्लूड किया है। अब हम आगे देखें तो ये जो क्लास है उसके अलावा अब आप आगे देखो तो क्लास के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा फाइलम। तो हमने जो आगे जो मैमल्स है, मैमेलिया है, मैमेलिया क्लास है वो फॉर्म किया था। तो मैमेलिया है उसमें दो फाइलम होंगे, एक होगा नॉन कॉर्डेटा और एक होगा कॉर्डेटा। जितने भी हमने क्लासेस बनाए थे, एव्स था, मैमल्स था, एम्फीबियंस था, रेप्टाइल्स था, वो सारे के सारे एक ही फाइलम में इंक्लूड हो गए, वो होंगे कॉर्डेटा, जो टोटली डिफरेंशिएट हो गए नॉन कॉर्डेट फाइलम से। और ये जितने भी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स है वो दो टाइप के हम किंगडम है उसको फॉर्म करेंगे। एक जो हमारा किंगडम है वो है प्लांट, और दूसरा जो हमारा है वो है एनिमल्स। ऑफ कोर्स हमने एग्जांपल में तीन स्पीसीज है वो एनिमल्स के लिए थे, टाइगर, लियो और लेपर्ड। तो हमने जो लास्ट में जो हमारा किंगडम फॉर्म होगा वो होगा एनिमल्स। ओके फ्रेंड्स, अब आपने जो सेवन टाइप की कैटेगरीज आज टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज को स्टडी किया है उसको इस चार्ट के फॉर्म में पढ़िए। हमने जो आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप पर दिया है उसको टोटली स्टडी कीजिए, और उसके बाद का जो असाइनमेंट है वो फिलअप कीजिए। अब हम अपने लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।